में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। घने कोहरे और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया गया। कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी छाया रहा घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है दिल्ली की सर्दी। रविवार को सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। दिल्ली के कई इलाकों में पारा 2 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर में भीषण बर्फबारी, चारों तरफ दिखा बर्फ का रेगिस्तान। कई इलाकों में पारा माइनस में लुढ़का। करगिल के ज्यादातर जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। यूपी में भी जारी रहा कड़ाके की ठंड का दौर। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा। ठंड का रेड अलर्ट जारी। यूपी की राजधानी लखनऊ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विधानसभा भी कोहरे की सफेद चादर लपेटे नजर आई। बड़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग ने जारी किया और ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना। बिहार में ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, 38 जिलों को जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में भी ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। छतरपुर जिले में पारा माइनस डिग्री से नीचे लुढ़का। युवक बर्फ को हाथ में उठाकर मस्ती करते दिखे। मध्य प्रदेश में फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं। 11 जनवरी से और देखने को मिलेगी तापमान में गिरावट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया से शुरू। आज के दिन की यात्रा महिलाओं को समर्पित। घने कोहरे में चलते दिखे राहुल गांधी। कानपुर में जानलेवा हो रही है ठंड। 8 दिनों में 114 पहुंचा हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा। दिल्ली दरिंदगी केस के सभी आरोपियों की पेशी आज। पुलिस बताएगी अभी तक की जांच में क्या निकला। तुनिशा आत्महत्या मामले में आज शीजान की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने शीजान की जमानत पर पुलिस से मांगा था जवाब। आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे सचिव सीमा प्रबंधन और एनडीएमए के सदस्य। जोशीमठ में हालात का लेंगे जायजा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आज शामिल होंगे पीएम मोदी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे समापन। असम के दिसपुर में दिखा सीएम हेमंता बिस्वा सरमा का अनोखा अंदाज। कलाकारों के साथ पारंपरिक नृत्य में हुए शामिल। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टकराकर खाई में गिरी बस। 3 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अज्ञात वजहों से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने संसद भवन में मचाया उत्पात। पुलिसकर्मियों ने दागे आंसू गैस के गोले। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। 60 से ज्यादा लोग घायल। अफ्रीकी देश सेनेगल में बस हादसे में 40 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल। देश में 3 दिनों के शोक की घोषणा। रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बर्फबारी। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। -26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। जापान के टोक्यो में नए साल के लिए रखी गई प्रार्थना। लोगों ने बर्फ के पानी में लगाई डुबकी। दक्षिण अफ्रीका ने ड्रॉ कराया 3रा टेस्ट। दूसरी पारी में 2 विकेट पर 106 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती सीरीज। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।